तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रिंस एंड यू आर वाचिंग अ न्यू रिपोर्ट ऑन रेसल रिपोर्टर। तो यार, फाइनली जिस पेपर व्यू का हमें बेसब्री से इंतजार था वो पेपर व्यू बीत गया। रॉयल रंबल से जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे काफी अच्छी रही रॉयल रंबल। यहाँ पे हमें फर्स्ट ओवर वुमेन्स रॉयल रंबल मैच, रे मिस्टीरियो जैसे लेजेंड की रिटर्न और कुछ कमाल के मैचेस देखने को मिले। अगर आपने किसी रीजन से आज 2018 की ये कमाल की रॉयल रंबल मिस कर दी तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको रॉयल रंबल के रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं आपको किक ऑफ शो के रिजल्ट्स के बारे में बता देता हूँ। पहला मैच यहाँ पे कैलिस्टो ग्रैंड मेटालिक और लिंस डोराडो वर्सेस टीजेपी, जैक गैलहर और ड्रू गुलाक का हुआ। जीत यहाँ पे कैलिस्टो की टीम की हुई। इसके बाद यहाँ पे सेकंड मैच हुआ जहाँ पे गैलोज और एंडरसन का सामना हुआ द रिवाइवल से। यहाँ पे जीत द रिवाइवल की टीम की हुई। इसके बाद थर्ड मैच हुआ जहाँ पे बॉबी रूड ने ओपन चैलेंज दिया यूएस चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पे मोजो रॉली ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया, पर फिर भी जीत यहाँ पे बॉबी रूड की हुई। अब आ जाते हैं मेन शो में, जहाँ सबसे पहला मैच हुआ WWE चैंपियनशिप के लिए, जहाँ एजे स्टाइल्स ने एक हैंडीकैप मैच में सामना किया सेमी जेन और केविन ओवेंस का। ये मैच काफी अच्छा था और यहाँ पे जीत एजे स्टाइल्स की हुई। बट मैच का एंड काफी अजीब था, क्योंकि केविन ओवेंस को कोई टैग मिला ही नहीं था, फिर भी रेफरी ने केविन ओवेंस को लड़ने के लिए लीगल बताया और केविन ओवेंस को ही पिन करके एजे स्टाइल्स ने अपनी चैंपियनशिप बचाई। जिस तरह से इस मैच की एंडिंग हुई उसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये फ्यूड आगे भी जारी रहेगी। इसके बाद सेकंड मैच हुआ स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जहां एक 2 out of 3 फॉल्स मैच में द उसोस का सामना हुआ चैड गेबल और सेल्टन बेंजामिन से। जीत इस मैच में द उसोस की हुई। इसके बाद थर्ड मैच था मेंस का रॉयल रंबल मैच। इस मैच को स्टार्ट रूसेव और फिन बैलर ने किया। साथ ही इस मैच में हमें रे मिस्टीरियो का रिटर्न भी देखने को मिला, और इसके अलावा इस मैच में कोई खास शॉकिंग रिटर्न नहीं देखने को मिली। पर लास्ट एंट्रेंस नंबर पे डॉल्फ जिगलर ने अपना रिटर्न किया, पर इस मैच को शिंस्के नाकामुरा ने रोमन रेंस को एलिमिनेट करके अपने नाम कर लिया। वीडियो को पॉज करके आप सभी रेसलर्स के नेम और उनके एंट्रेंस नंबर को देख सकते हैं। इसके बाद रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ जहाँ पे सेथ रॉलिंस और जेसन जॉर्डन का सामना हुआ द बार से। मैच से जितनी उम्मीद मैंने लगाई थी उसके मुकाबले ये मैच मुझे काफी बोरिंग लगा। और बात करें अगर विनर की तो इस मैच को द बार ने जीता और वो बन गए नए टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, जहां एक ही रिंग में एक ही साथ मॉन्स्टर मशीन और बीस्ट थे। मैच में हमें काफी डिस्ट्रक्शन देखने को मिला और हमेशा की तरह इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने अपनी चैंपियनशिप बचा ली। इस साल के रॉयल रंबल पेपर व्यू के मेन इवेंट में हमें फर्स्ट ओवर वुमेन्स रॉयल रंबल मैच देखने को मिला। साशा बैंक्स और बेकी लिंच ने इस मैच की शुरुआत की, और इस मैच में हमें लीटा और जैकलिन जैसी रेसलर्स का रिटर्न देखने को मिला। बात करें इस मैच की विनर की तो यहाँ पे आस्का ने निकी बेला को एलिमिनेट करते हुए फर्स्ट ओवर वुमेन्स रॉयल रंबल मैच अपने नाम किया। मैच खत्म होने के बाद हमें रोंडा रोजी का रिटर्न भी देखने को मिला, जहाँ उन्होंने रेसलमेनिया में मैच लड़ने का इशारा किया। आप वीडियो को पॉज करके सभी रेसलर्स के नेम्स और उनके एंट्रेंस नंबर की लिस्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रॉयल रंबल की रिजल्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। साथ ही आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप रॉयल रंबल को 5 में से कितने स्टार देंगे, और ऐसी ही न्यूज और रूमर्स अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।